नई सुबह ऑडियो कॉलम सर्विस में खुश आमदीद। रोजनामा जंग से कॉलम पेश है एक नहीं दो कशकोल। कॉलम निगार हैं सलीम साफी और आवाज है नादिया सबा की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org। मौशी अमूर का माहिर हूँ और ना इसकी नज़ाकतों को समझता हूँ, लेकिन बतौर सहाफ़ी कई हकूमतों को देखा और अल्लाह गवाह है कि गरीब तो क्या मिडिल क्लास बंदे को भी मौशी लिहाज से इतना परेशान और तबाह हाल कभी नहीं देखा जितना कि अब देख रहा हूँ। अच्छे भले सफ़ेद पोशों का जीना मुश्किल हो गया है और क्यों ना हो, मुल्की तारीख में महंगाई कभी इस शरह से नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ी है। GDP की शरह नमो कभी इतनी सुस्त नहीं हुई थी जितनी अब है। बेरोजगारी में कभी इस कदर इजाफा नहीं हुआ था जितना अब है। मौशी पॉलिसियों में ऐसी कन्फ्यूजन और लाउबालीपन कबल अजीक कभी नहीं देखा था जितना आज देखने को मिल रहा है। और मईशत की खराबी के बारे में मौशी माहिरीन का ये इजमा कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। असद उमर ने आगाज़ किया, फिर बैरून मुल्क से हफीज शेख बुलाए गए, दरमियान में हमाद अजहर ने भी जोर आजमाई की और अब जरदारी साहब के दौर के वजीर ख़जाना शौकत तरीन जोर आजमाई कर रहे हैं, लेकिन बात बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। मईशत की खराबी का रोना माजी की हकूमतों में भी रोया जाता था, लेकिन तब अपोजिशन के माहिरीन या फिर सहाफ़ती नकाद ये रोना रोया करते थे, लेकिन तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि इमरान खान हकूमत का वजीर ख़जाना बनते ही शौकत तरीन ने कौम को बता दिया कि असद उमर और हफीज शेख ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, IMF के साथ बहुत गलत डील की गई है। इसी तरह माजी में भी IMF के साथ डील होती रही, लेकिन ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि स्टेट बैंक का गवर्नर भी IMF का बंदा मुकर्रर किया गया है और मौशी पॉलिसियों की मुहार मुकम्मल तौर पर IMF के हाथ में दे दी गई। इसी तरह ये तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि मुखालिफीन नहीं बल्कि डॉक्टर फरुख सलीम जैसे नवाज शरीफ के नकाद और मईशत के लिए इमरान खान हुकूमत के साबिक तर्जुमान भी कह रहे हैं कि मईशत तबाही की तरफ जा रही है। ये भी तारीख में पहली मर्तबा हो रहा है कि शब्बर जैदी जैसे लोग जो इमरान खान के चहीते रहे और उन्हें इसी इमरान खान ने FBR का चेयरमैन बनाया था, कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुआशी दिवालियापन के करीब है। गोया सुनामी सरकार की सब तदबीरें उल्टी हो गई। नारा लगाया था कि मर जाऊंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन आज पूरी मईशत IMF के हाथ गिरवी रख दी है। नारा लगाया था कि कर्जे कम कराऊंगा, लेकिन नए कर्जे लेने के माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कहा था कि कुछ भी कर लूंगा लेकिन भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन इस दौर में पाकिस्तान ने दोस्त मुल्कों से इस कदर बार बार भीख मांगी कि अब सऊदी अरब जैसा दोस्त भी कशकोल में $3 अरब डालते वक्त कड़ी शराइत लगा देता है। ना कोई पॉलिसी है, ना बहरान से निकलने का कोई रास्ता और ना उम्मीद की कोई किरण। अब बस एक रास्ता बचा है कि हर माह बिजली और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाते रहेंगे, टैक्स लगाते रहेंगे और कशकोल हाथ में लिए दोस्त मुल्कों से भीख मांगते रहेंगे। इमरान खान जब से वजीर आज़म बने हैं कशकोल हाथ में लिए फिर रहे हैं, लेकिन अलमिया ये है कि अब एक कशकोल से काम नहीं बनेगा। अपने लिए तो मांगते रहे, लेकिन अफगानिस्तान के लिए भी इमरान खान को ही भीख मांगनी होगी। 20 साल इल्तिजाएं करते रहे कि अफगानिस्तान से मुतालिक अपनी पॉलिसी दुरुस्त कर लें, लेकिन कोई नहीं माना। दीनी जमातों से ज़्यादा इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की वापसी के ख्वाहिशमंद थे। 15 अगस्त को बिलाखिर उनकी ये आरज़ू पूरी हुई, तालिबान अफगानिस्तान के हाकिम बन गए, लेकिन अफगानिस्तान की मईशत मसनूई तरीके से अमरीका और उसके इत्तेहादियों की इमदाद से चल रही थी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अमरीका और उसके इत्तेहादी अदा करते थे। अफगानिस्तान में हर साल जो $अरबों आते वो अगर दिफा की मद में खर्च होते तो भी उससे आम अफगानी को कुछ ना कुछ माली फ़ायदा ज़रूर पहुँचता। अमरीकियों और तालिबान के साथ डील में पाकिस्तान ने मदद भी की और मेरा अपना तज्जिया भी ये है कि खुद अमरीकी भी निकलकर
अफगानिस्तान को तालिबान के सपुर्द करना चाह रहे थे। अमरीकी जो मकसद जंग के जरिए हासिल ना कर सके, अब वो दूसरे रास्ते से हासिल करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क था और इमरान खान दुनिया के वाहिद वजीर आजम थे जिन्होंने अमरीकी इनखिला और तालिबान की फतह का जश्न मनाया। पाकिस्तान में ये गलत अंदाज़ा लगाया गया था कि अमरीका के निकलते ही रूस और चीन अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जगह संभाल लेंगे, लेकिन न रूस और ना ही चीन ऐसा करने को तैयार हैं। आलमी बरादरी और पड़ोसी ममालिक का मुतालिबा इंक्लूसिव हकूमत बनाने का था, लेकिन तालिबान इसके लिए तैयार हैं और ना होंगे। अमरीका अफगानिस्तान को कैश दे रहा था और चीन और रूस समेत दुनिया का कोई मुल्क इस तरह कैश नहीं दे सकता। एक तरफ अमरीका और मगरबी दुनिया से आने वाले डॉलर बंद हो गए और दूसरी तरफ अमरीका ने अफगानिस्तान के असासे मुंजमद कर दिए। चुनाचे तालिबान हुकूमत के पास तनख्वाहों के पैसे हैं और ना शहरियों को खिलाने पिलाने का कोई इंतज़ाम। एक तरफ पाकिस्तान की अपनी मईशत तबाह हाल है और दूसरी तरफ उसे अब अफगानिस्तान का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। सरहदों की बंदिश और दीगर पाबंदियों के बावजूद तकरीबन 1,00,000 अफगानी पाकिस्तान आ चुके हैं और अगर ये हालत रही तो मजीद 10,00,000 के लगभग महाजरीन पाकिस्तान आ सकते हैं। दूसरी तरफ तालिबान की हकूमत को अभी तक किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया, चुनाचे अब अफगानिस्तान की मौशी तबाही का दुखड़ा भी दुनिया के सामने इमरान खान और पाकिस्तान को बयान करना होगा। इस्लामाबाद में सऊदी अरब की इमा पर इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के वज़रा खारजा का इजलास बुलाया गया है। शायद ये ममालिक कुछ न कुछ खैरात पाकिस्तान के जरिए तालिबान की झोली में फेंक दें। लेकिन सवाल ये है कि अगर दुनिया तालिबान की हकूमत को तस्लीम नहीं करती और उनकी मईशत का पहिया नहीं चलता तो इमदाद और खैरात से ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आगे जो होगा सो होगा, लेकिन सरे दस्त एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि अब एक नहीं दो कशकोल। एक कशकोल तो इमरान खान पहले से ही हाथ में उठाए फिरते हैं, लेकिन अब उन्हें दूसरे हाथ में एक और कशकोल भी उठाना होगा। एक कशकोल पाकिस्तान के लिए और एक अफगानिस्तान के लिए। एक पर लिखा होगा चंदा बराए पाकिस्तान और दूसरे पर लिखा होगा चंदा बराए अफगानिस्तान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।